भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। हे बड़ी ठीक छन तुम? हम लोग चले गए हैं पत्थरों के लिए। बाघ हो तो चलो भाई। 12 साल की बच्ची को ले गया बाघ। बड़े ही ठेकेदार बने फिरे हैं। और तो रितु ने चाय दे दी है मम्मी को। जितने भी सारे खेत लोगों के सारे बंजर ही बंजर हैं। और मम्मी को ये मिल गया बताओ तो। ये खेत नहीं है, ये आंगन है। ओहो, यहाँ का घर जो है टूट गया, तो यहाँ के घर के पत्थर उस वक्त सभी बज रहे हैं रात के 8। अपने बच्चों को सावधान रखे, सतर्क रखे। और ये हमारी माता जी पहुँच गए हैं। हेलो, ये है खिरकंडा और ये है ककड़ी। किस चीज का अचार बनाओगे आप? ये है हरी मिर्च, लाल मिर्ची। जय हो माँ मठियाणा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक है आप लोग के सामने। मैं ऋतु राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन सी खूबसूरत सी वादियों में। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग में और बढ़ते हैं अपनी दिनचर्या की ओर। तो दोस्तों, अपनी दिनचर्या के सबसे पहले मैं निकालते हैं अपनी बड्डी जी को। ये बड्डी ठीक छन तुम? सब राजी खुशी? अभी दोस्तों ताई जी जो है अपनी डांडा छानी से मरड़ा से लकड़ी लेकर घर की ओर जा रही हैं। तो ताई जी रोटी पानी खेली? अच्छा, तो दोस्तों पहाड़ी महिलाएं सुबह से ही अपने काम में व्यस्त रहती है, जैसे कि हमारी ताई जी। बाकी हम लोग ठीक चाय जाओ है। बाकी हम लोग जा रहे हैं पत्थरों के लिए। अभी दोस्तों ठीक 8:30 बजे से हम लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और हम लोग चले गए हैं पत्थरों के लिए। बाकी आज पत्थरों के लिए हमारा लास्ट डे है और कल से आराम ही आराम होगा, तो आज हमें जल्दी जल्दी से ही पत्थर डालने होंगे। वैसे पत्थर काफ़ी बड़े हैं और थोड़ा जंगल का रास्ता भी है और यहाँ पर जो है आजकल ना पाला ज़्यादा पड़ता है, ओस और पाला ज़्यादा पड़ता है, जिस वजह से फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, तो इसलिए हमें सावधानी से जाना पड़ेगा दोस्तों। वैसे ना कल के पत्थर ले जाने से थकान बहुत ही ज़्यादा लग चुकी है। सो दोस्तों, आजकल हम बड़े ही ठेकेदार बने फिरे हैं और तो आज जो है तीसरे दिन हमारा जो है काम पत्थर ले जाने का वो समाप्त हो चुका है। और लास्ट, जिसे हम पहाड़ बोलते हैं कि लास्ट घेती लानी है बोले, तो लास्ट बार हमें लेकर आना है पत्थर, उसके बाद छुट्टी, यानी कि आज की छुट्टी हमारी हो गई है ठीक 12 बजे। और दोस्तों हमने जो पत्थर लेने लाने का काम था वो फिनिश कर दिया है और बाकी मैं आपको बताऊँगी कितने सारे पत्थर हम लोग लाए हैं, जिसे 6 फुट का हिसाब माना जाता है, वो मैं वहाँ पर जाके बताऊँगी। बाकी जहाँ से हम पत्थर ला रहे, कितना ठंडा हुआ, एकदम शीतल सा रास्ता है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। वैसे दोस्तों आज हमने जो छेमी की बेर होती है और ककड़ी की जो बेर होती है, साथ ही साथ कंकड़े की बेर यहाँ पे थी, वो खाली कर दी है। अब यहाँ पर पूरा खुला हो चुका है। तो दोस्तों आज हमने निकाली इतनी सारी, ये देखिए, ये है राजमा छेमी जो कि आप लोगों ने देखी होगी। और अभी थोड़ा इसमें से कच्ची है और थोड़ा बहुत पकी हुई है, तो इसको 2-3 दिन तक सुखाएँगे। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा छेमी जो है छुन के रखी हुई है और थोड़ा अभी छुनने के लिए है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है कंकोड़ा। और इस ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारे भैया जी क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे भैया ने लाल और हरी मिर्च काट के रखी हुई है, तो इनसे पूछते हैं आज क्या प्रोग्राम है इनका। तो दोस्तों मेरा प्रोग्राम है पहाड़ी अचार बनाने का। तो दोस्तों हमारे बड़े भैया का प्रोग्राम है, प्रोग्राम मैंने सुना है, प्रोग्राम नहीं सुना है, तो उनका प्रोग्राम है अचार बनाने का। किस चीज़ का अचार बनाओगे आप? ये है हरी मिर्च, लाल मिर्ची और साथ में इसमें डालूंगा मैं आंवला। आंवला जो कि हमारी भाभी के मायके से लाए हुए हैं आंवला, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड है तो इस वजह से आंवले बहुत ही कम होते ही नहीं है। क्यों, और क्या मिलाओगे इसमें? और फिर इसको करेंगे तेल में फ्राई, उसके बाद धूप पर रखेंगे 1 हफ्ते के लिए और फिर हो जाएगा हमारा पहाड़ी अचार तैयार। बिल्कुल प्रकार। तो दोस्तों ये हैं स्कूल के छोटे छोटे बच्चे। आपका नाम? रिया। और आपका नाम? शिवानी। हेलो कर दो। हेलो। हो गई छुट्टी? आज पेपर था? हाँ। किसका पेपर? ईवीएस। हाँ। कैसा गया? अच्छा अच्छा गया। तो दोस्तों अभी देखो सिया मेरे पास लेकर आए एक दीपक, जो कि आजकल न्यू बन गया है और ये ट्रेंड में चल रहा है वही दीपक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दीपक आया है 15 का, यानी कि ये पानी से भी जलता है और इसे ऐसे दबाने पर भी जलता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग दीपावली के इस अवसर पर आप लोग ऐसे ही दिए लाना जो कि हवा से भी ना बुझे और पानी, देखो पानी, अभी इसमें पानी इन्होंने लाया हुआ है। कहाँ से लाया दीपक?
रोड से। अच्छा दुकान से। तो दोस्तों 15 का आया है, बोले तो काफी अच्छा लगा मुझे, ये देखिए। सो दोस्तों आजकल के ज़माने में एक से अनेक जो है चीज़ें बन रही है, तो अब दीपावली भी आने वाली है। तो वैसे तो पहले ऐसे दिए जलते थे कि आग जलाओ यानी कि तेल डालो तब जलाओ, अब देखो कौन सा दिया आ चुका है, इसमें पानी से भी जलता है और इसे दबाने से भी ये जलता है। देखिए अभी ये जल गया, फिर ये बंद हो गया, देखो। अभी दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 3:30 हो चुकी है और मैं पहुंच चुकी हूं घास के लिए अपने छौड़ा के गधेरा, यानी कि जहां हमारी चरी है वहां का नाम है छौड़ा का गधेरा। मेरे साथ आई हुई है मेरी माँ, बाकी मम्मी अभी काफ़ी पीछे है क्योंकि मम्मी को चलने में मतलब स्पीड मेरे बराबर नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। तो दोस्तों पहले यहाँ हमारे यहाँ यहाँ पर दाल वगैरह होती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, पूरे पत्थर ही पत्थर थे खेत में, और उस टाइम से यहाँ पर पूरा घास ही घास हो चुका है। तो यहाँ जितने भी सारे खेत लोगों के सारे बंजर ही बंजर हैं, तो इनमें अब घास हो चुका है, तो अब इनमें ये लोग घास का आनंद लेते हुए और नज़दीक पर ही घास काट लेते हैं। अभी दोस्तों जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर खेत टाइप का दिख रहा है, बाकी ये खेत नहीं है, ये आंगन है। आंगन था, अब बिल्कुल बंजर टाइप का खेत पड़ चुका है। पहले जो हमारे पूर्वज यानी कि जो हमारे बुड्ढा बुड्ढी लोग रहे होंगे उनका यहाँ पर घर था, उसके बाद हमारे दादा दादी भी यहीं पर रहे हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ हमारा घर है वहाँ पर उन लोगों ने अपना मरड़ा जो है घर बना लिया, जिसके बाद यहाँ का घर जो है टूट गया, तो यहाँ के घर के पत्थर उस वाले घर में लगाए और ये उसके बाद यहाँ पर पूरा बंजर पड़ गया है। पहले यह हम लोगों के घर थे। देखिए दोस्तों मम्मी भी आ गई है घास का भारा लाते हुए, ये देखिए। अभी जबकि धूप काफ़ी है, अभी उजाला टाइप का है, तो हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा, है ना मम्मी? हाँ यार, मैं वो भाग गई हूँ। हाँ तो चलो भाई, चलो भाई, चल मेरी। तो दोस्तों हम लोग जल्दी ही घर चले गए हैं थोड़ा बहुत घास लेके। आजकल आपको पता ही होगा कि यहाँ घड़साली साइड लस्या महल जहाँ बोलते हैं, बट जहाँ लस्या पट्टी है, तो वहाँ कल की परसों की जो न्यूज़ थी बहुत ही बुरी न्यूज़ थी, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, वहाँ एक 12 साल की बच्ची को बाघ ने घर के ही बगल में खाया। तो दोस्तों वो फ़ोटो सारे लोगों ने स्टेटस वगैरह लगा रखी थी, तो हमने देखी तो बहुत ही बुरा लगा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। हमने तो सोचा भी नहीं था कि बाघ का इतना खतरनाक आतंक हो सकता है। क्या बीती होगी उस माँ बाप पर जिसकी 12 साल की बेटी को बाघ ने खाया। तो दोस्तों इसलिए आजकल ना हर जगह बाघ की ही डर है, तो अपने बच्चों को सावधान रखे, सतर्क रखे, अकेले घर से बाहर ना जाने दे, खास करके रात को। और दीपावली का समय आने वाला है दोस्तों, तो दीपावली के समय पर बाघ का आना भी ज़रूरी मानते हैं पहले के लोग, तो इसलिए दोस्तों सावधान रहे, कुछ भी हो सकता है तो सतर्क रहे। तो दोस्तों घर आते आते मम्मी को मिल गए हैं दो भमोरे, तो एक भमोरा मेरे लिए है, ये देखिए, ये दोस्तों भमोरा, और एक मम्मी के पास है, ये देखो, पता नहीं किसने छोड़े रास्ते में, और मम्मी को ये मिल गया, बताओ तो। ये देखिए दोस्तों मम्मी को बड़ा वाला भमोरा मिला है और भाई एक मेरे पास है। ये देखिए दोस्तों लोग सुबह के टाइम से और शाम के टाइम तक अब आ रहे हैं डांडा छानियों से घर, और लेकर आ रहे हैं चौलाई, तो डांडा में जितना भी चौलाई हुआ होगा उसको ला रहे हैं घर। और ये हमारी माता जी पहुँच गए हैं, पधारिए जाइए। हेलो जटमा, बातें ना पूछो, बातें ना पूछ। ये देखो दोस्तों चौलाई ला रखे घास के बीच, और जेठी माँ का आज गुस्सा रखे, बातें ना पूछ बोल तो। रोटी कमार गोबरा हाथ जाओ जाओ। ये देखिए दोस्तों पहले बहुत चौलाई होता था, अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। अभी देखो अभी दोस्तों मैं जा रही हूँ अखरोट की खोज में, एक बुआ ने ठगाया था मुझे, तुम्हारे खेत में अखरोट हैं, भले नहीं होगा ना। हेलो बुआ, कहाँ हो आप? नीचे नहीं दिखाई दे रहे आप, इधर देखो ना, इधर देखो ना,
हेलो बुआ। हेलो। जोर से बोलो। हेलो। हेलो सुमरी, आवाज क्यों आ रही है आज? ओहो, पेट में दर्द हो गया। तो दोस्तों, अभी जो है बुआ जी ने इस वाले पेड़ से अखरोट निकाले सारे बल्ले, तो मुझे ही बोला कि ढूंढने आ जाओ, बल देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते। एक, दो, सिर्फ द्वी, तीन, चार तो मिली ना। अब देखो चा, पहले भी दोस्तों लोग इसी तरह से अखरोट की खोज करते थे, लेकिन अब वो बचपना ही चला गया, अब कोई नहीं आता है अखरोट की खोज में। फिलहाल मुझे इतनी अखरोट मिल गए हैं, देखो दोस्तों। इस वर्ष जो हमारे उपजाऊ करने के लिए जो खिरकंडा ककड़ी हुई है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरी पकी हुई है, और अगले साल जिसका हम उपजाऊ करेंगे इन्हीं के बीज से करेंगे। ये है खिरकंडा और ये है ककड़ी। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 8 और हो गई हमारे डिनर की तैयारी। तो आप देख सकते हैं ऋतु जी बना रहे हैं यहाँ पर चाय। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऋतु ने चाय दे दी है मम्मी को, और ये लकड़ियाँ ऋतु को मारने के लिए रखी गई है यहाँ पे। आटा तैयार हो चुका है, बस सब्जी भी रेडी हो चुकी है, अब बनेगी रोटियाँ, तब खाऊंगा मैं जमा जम।